हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सो दैट का उपयोग कैसे करें, हाउ टू यूज़ सो दैट। तो आज हम देखते हैं टू के स्थान पर सो दैट का उपयोग करना, जहां टू का हिंदी मीनिंग है बहुत अधिक या बहुत ज़्यादा होना, किसी चीज़ का नकारात्मक रूप में होना। वहीं सो दैट का हिंदी मीनिंग है इतना कि। तो चलिए देखते हैं इसके आसान ट्रिक्स को। यहाँ हम देख सकते हैं हमें टू के मध्य लेना है एडजेक्टिव या एडवर्ब, और सेम उसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को लेना होता है सो दैट के मध्य। पहले वाले टू के बदले लिखते हैं सो, दूसरे वाले टू के बदले में लिखते हैं दैट। अब दैट के बाद सब्जेक्ट लेते हैं, जो सो के पहले आया हुआ सब्जेक्ट का प्रोनाउन रूप होता है या प्रोनाउन होता है तो उसी प्रोनाउन को लिखते हैं। फिर सो के पहले प्रेजेंट टेंस है तो कांट लिखते हैं, और यदि सो के पहले पास्ट टेंस है तो लिखते हैं कुडंट। चलिए देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट या कांट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट या कुडंट। यह एक एग्जांपल है। द मैन इज टू ओल्ड टू वॉक, इसे कहा जा रहा है रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट इन प्लेस ऑफ टू। टू के स्थान पर सो दैट का उपयोग करते हुए वाक्य को फिर से लिखिए। तो इसका आंसर है द मैन इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, व्यक्ति इतना बूढ़ा है कि वह चल नहीं सकता। देखिए, हमने यह टू के बदले लिखा है सो, और सेम एडजेक्टिव जो प्रश्न में दिया है ओल्ड, फिर दूसरे टू के बदले में लिखा है दैट। अब हमने यहाँ लिखा है ही, जो मैन का प्रोनाउन है, फिर यहाँ इज है जो कि प्रेजेंट टेंस को बताता है, इसलिए यहाँ पे आएगा कैन नॉट, और फिर जो वाक है वो वर्ब है। अगला एग्जांपल देखते हैं। ही इज टू वीक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका आंसर है ही इज सो वीक दैट ही कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ प्रोनाउन ही है, उसी को आगे लिख दिया गया है। अब हम अगले एग्जांपल देखते हैं। रानी वाज टू लेजी टू वर्क हार्ड, इसका आंसर है रानी वाज सो लेजी दैट सी कुड नॉट वर्क हार्ड। यहाँ पर हमने रानी लड़की होने के कारण प्रोनाउन सी लिखा है, वाज पास्ट टेंस होने के कारण कुड नॉट लिखा है, बाकी सेम रूल्स हैं। अगला देखते हैं। सी वाज टू स्टूपिड टू करेक्ट मिस्टेक्स, इसका भी आंसर है सी वाज सो स्टूपिड दैट सी कुडंट करेक्ट मिस्टेक्स। यहाँ प्रोनाउन सी है, उसका प्रोनाउन फॉर्म सी ही लिखे हैं। चौथा है द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, आंसर होगा द ट्री इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड, ये क्लाइम्ड होगा इसका थर्ड फॉर्म, सॉरी हाँ थर्ड फॉर्म होगा द ट्री इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लाइम्ड। अगर सब्जेक्ट जो है वस्तु के लिए हो तब हम दैट के बाद वाले वाक्य को इट सब्जेक्ट लेकर के पेशी वाइज रूप में लिखते हैं, कैन नॉट बी फिर थर्ड फॉर्म, और यदि
इसे हम चाहे तो अपने हिसाब से आई वी यू दे कुछ भी सब्जेक्ट ले, तब हम पेशी वाइज नहीं लिखेंगे। जैसे इसको ऐसे भी कह सकते थे, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम, ऐसे भी कह सकते थे। अगला एग्जांपल है, द बैग इज टू हैवी टू लिफ्ट। आंसर है, द बैग इज सो हैवी दैट इट कांट बी लिफ्टेड। तो यहाँ भी हमने पेशी वाइज का उपयोग किया है, द बैग वस्तु है इसलिए यहाँ पे इट लेंगे एंड कांट बी लिफ्टेड। योर फ्रेंड्स आर टू लेजी टू वेक अर्ली मॉर्निंग। इसका आंसर है, योर फ्रेंड्स आर सो लेजी दैट दे कांट वेक अर्ली मॉर्निंग। तो यहाँ पे योर फ्रेंड्स सब्जेक्ट जो है बहुवचन है, इसलिए प्रोनाउन हमने लिया है दे, एंड प्रेजेंट टेंस होने के कारण कांट। अगला देखते हैं, दे आर टू पुअर टू बाय अ कार। यहाँ है, दे आर सो पुअर दैट दे कांट बाय अ कार, ये आंसर है। फिर है, वी आर टू पुअर टू कीप अ सर्वेंट। आंसर होगा, वी आर सो पुअर दैट वी कांट कीप अ सर्वेंट। अगला है, द रूम इज टू डार्क टू सी एनीथिंग। आंसर है, द रूम इज सो डार्क वन कैन नॉट सी एनीथिंग। यहाँ पे हमने द रूम के लिए उपयोग किया है वन, इसका मतलब है कोई या कोई व्यक्ति, और हम चाहते तो यहाँ पे ईट का उपयोग भी कर सकते थे, और जब ईट लेते तो ये होता ईट कैन नॉट बी सीन होता पेशी वाइज में। तो वन को यहाँ हमने व्यक्ति के रूप में लिया है, आई भी ले सकते थे, आई कैन नॉट सी एनीथिंग। जब हम ईट लेंगे तभी इसको पेशी वाइज फॉर्म में लिखेंगे। आगे है, यू आर टू टायर्ड टू वॉक। आंसर, यू आर सो टायर्ड दैट यू कैन नॉट वॉक, आप इतने थक गए हैं कि आप काम नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इट इज टू हार्ड टू गो आउट। आंसर है, इट इज सो हार्ड दैट वी कैन नॉट गो आउट। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया है वी और कैन नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं जा सकते। तो सब्जेक्ट यहाँ इट है और हमने लिया है यहाँ पे वी, इसलिए ये पेशी वाइज में नहीं है। आगे देखते हैं, ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देंगे। जैसे कि ही इज टू डम टू स्पीक, वह इतना गूंगा है कि बोल नहीं सकता। ही इज टू डेप टू हियर, वह इतनी बहरी है कि सुन नहीं सकती। अ मैन वाज टू क्लाइम टू सी, अ मैन वाज टू ब्लाइंड टू सी, एक व्यक्ति इतना बूढ़ा था कि वह देख नहीं सकता था। वाज, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। दिस एप्पल इज टू रोटन टू ईट, यह सेब इतना सड़ा हुआ है कि कोई खा नहीं सकता। दिस ट्री इज टू लॉन्ग टू क्लाइम, ये पेड़ इतनी ऊंची है, इतनी लंबी है कि कोई चढ़ नहीं सकता। दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, यह प्रश्न इतना कठिन है कि हल नहीं किया जा सकता। हिज फ्रेंड इज टू वीक टू पास, उसका दोस्त इतना गधा है, कमज़ोर है कि पास नहीं हो सकता। यू आर टू सेल्फिश टू बी अ फ्रेंड, तुम इतने मतलबी हो कि दोस्त नहीं बन सकते।
ही इज़ टू फैट टू स्टैंड, वह इतना मोटा है कि खड़ा नहीं हो सकता। आई एम टू बिजी टू मीट यू, मैं इतना व्यस्त हूँ कि तुमसे मिल नहीं सकता। इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे सेंड करें, मैं उन्हें चेक कर बताऊँगा कि आपने सही बनाया या गलत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।